मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में फर्जी क्लिनिक और अस्पतालों का बोलाबाला है। एक ऐसा ही अस्पताल बिना कागजों और बिना सर्जन डॉक्टर के चल रहा था, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महीने पहले ताला लगाकर सील कर दिया था। सील हुए अस्पताल के पिछले दरवाजे से मरीजों का इलाज चल रहा था। खबड़िया भूंड के रहने वाले दिनेश ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके भाई राम अवतार की पत्नी पूरम 35 वर्षीय 2.5 माह की गर्भवती थी। उसके 10 जून को पेट में दर्द की शिकायत थी। परिवार वाले उसे सिराहाबाजी के जीवनदान अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे दवाई दी। उसके बाद पता चला कि गर्भपात होना है। महिला डॉक्टर के द्वारा गर्भपात कराया गया, लेकिन गर्भपात के बाद उसकी हालत गंभीर बनती चली गई। उसी परिवार वालों ने बीते दिन पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। दिनेश ने इस घटना की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जीवनदान हॉस्पिटल पर हमारे द्वारा पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। पिछले माह 27 तारीख को हमारे पास शिकायत आई थी अस्पताल की। मैंने टीम द्वारा जाकर जाँच की थी, वहाँ पर कोई भी चीज़ सही नहीं पाई गई थी। हमने अस्पताल को सील कर दिया था और थाने में इसकी तहरीर दे दी थी, लेकिन उसके बाद आगे अग्रिम कार्रवाई थाने द्वारा की जानी थी, वो अभी तक शायद नहीं हो पाई है। हमारे पास की कोई सूचना अभी तक नहीं आई। तो हमारे पास तो सूचना ये है कि हमने पहले इस पर कार्रवाई कर चुकी है। अब क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब अगर ये दोबारा भी सील होने के बाद काम कर रहा है तो ये तो फिर कानून व्यवस्था का मामला है। हमारे विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।